सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस 12 का पहला टास्क रद्द हो गया है। पहले दिन सुचारू तरीके से टास्क होने के बाद दूसरे दिन ये अधूरा रह गया। दूसरे दिन शो में करण पटेल और शिल्पा शिंदे मॉडरेटर बनकर आएंगे। टास्क के रद्द होने की वजह श्रीसंत बने। इसके बाद क्रिकेटर श्रीसंत ने बिग बॉस के घर से निकल जाने की धमकी भी दी है। दरअसल नॉमिनेशन टास्क में श्रीसंत को बताना था कि उनके मुकाबले दूसरी जोड़ी क्यों कमजोर है। श्रीसंत के अपोजिट इंदौर के शिवाशीष और सौरभ पटेल थे। श्रीसंत ने कहा, मुझे अभी तक इन दोनों के बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला है जिससे मैं ये साबित कर पाऊँ कि मुझसे कमजोर है। तब करणवीर वोहरा कहते हैं, कुछ छोटा ही पॉइंट बता दो ताकि टास्क कंप्लीट हो जाए। इसके बाद बिग बॉस भी कड़े शब्दों में कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा कि आप खेल को इस पड़ाव पर खत्म करें। श्रीसंत कहते हैं, जब मुझे दो दिन में कुछ नहीं मिला तो 5 मिनट में क्या बताऊंगा। बाकी घर वाले भी श्रीसंत को समझाते हैं लेकिन वो शिवाशीष और सौरभ के बारे में कुछ नहीं बता पाते। इसके बाद बिग बॉस इस टास्क को रद्द करने का ऐलान करते हैं। इसी के साथ बिग बॉस का पहला टास्क रद्द हो जाता है। पहला टास्क रद्द होने की वजह से श्रीसंत सभी घर वालों के निशाने पर आ गए हैं और सभी कंटेस्टेंट ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की। सभी घर वाले अपनी मेहनत पर पानी फिरने से काफी निराश हुए। सबने श्रीसंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिससे परेशान होकर क्रिकेटर ने घर से बाहर जाने की धमकी भी दे डाली है। बिग बॉस 12 की हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज